नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नेहा। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की 30 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी संशोधित उम्मीदवारों की सूची की जारी, जिसमें 15 नाम शामिल है। नई सूची में पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में मंत्री स्तरीय गोलमेज का हुआ सम्मेलन, जिसमें भारत के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नया जिला बनाने का किया ऐलान। इनके नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चोंगथोंग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले के बाद लद्दाख के लोगों को दी बधाई, कहा इससे सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचाने में मिलेगी मदद। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आदेश पर भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों शबन महमूद और रंजन सेन को बुलाया गया वापस। शबन महमूद को दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग में उनकी अनुबंध की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वहीं कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इस पद पर कार्यरत रंजन सेन को भी बुलाया गया वापस। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को जल्द ही पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि UPI की तरह ULI भी भारत के लेंडिंग स्पेस में बड़ा बदलाव लाएगा। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिन मंच से अपनी पत्नी जाह्नवी दास का परिचय लोगों से कराया। पीके ने कहा कि इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि यह हमारी पत्नी है, बल्कि इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई इसलिए काम कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मा उठाई है। T20 वर्ल्ड कप स्टार जसप्रीत बुमराह ने चेन्नई के सत्यभावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्रेशर डे सेलिब्रेशन में भाग लिया। उनकी ग्रैंड वेलकम के दौरान उन्हें फूलों की माला पहनाई गई और स्टेज पर मुकुट भी पहनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा आज दिल्ली पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान गोपीचंद ने कहा कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा का लंबे समय से इंतजार था, अब घर आकर बहुत खुश हूँ, ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। अगले महीने हुंडई मोटर इंडिया अपनी 7-सीटर एल्केजर को लॉन्च करेगी, जबकि टाटा कर्व का पेट्रोल मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों ही गाड़ियाँ फैमिली क्लास को टारगेट करेंगी। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख ने कहा है कि जनरेटिव AI के तेजी से विकास के बावजूद उनकी कंपनी में किसी प्रकार की छटनी की आशंका नहीं है। पारेख ने इस नई तकनीक के ग्राहकों और व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई। पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रमीज राजा ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ एशिया कप 2023 में मिले हार के बाद से उनके रुतबे में कमी आई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने जन्माष्टमी पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने धोती, कुर्ता और खड़ाऊ पहनकर अपने आंगन में टहले, जो वायरल हो गई और चर्चा का विषय बन गया। जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने पार्टी के ही 2 नेताओं, भागलपुर के विधायक अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल को विवादित बयान देते हुए कोबरा सांप करार दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इन नेताओं से सावधान रहने की सलाह दी है। बिहार सरकार के मंत्री और JDU नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकट स्थिति से उबारते हुए महत्वपूर्ण विकास काम किए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को अर्थशास्त्र की आधारभूत बातें समझने की सलाह दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन अधिक होने पर डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट को उनके जन्मदिन पर बीते दिन रोहतक में सम्मानित किया गया। सरोखाप महापंचायत ने उन्हें शुद्ध सोने का पदक पहनाया और भव्य स्वागत किया। विनेश ने कहा कि वे आज अपने लोगों के समर्थन से खुश हैं।
शरीर पर टैटू बनवाना कई लोगों का फैशन बन गया है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सेना, भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, पुलिस समेत कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जहाँ टैटू वाले कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज 26 अगस्त को शेयर बाजार में तेज उछाल देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 611 अंक बढ़कर 81,698 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 187 अंक की बढ़त के साथ 25,010 पर समापन हुआ। बाजार में सकारात्मक रुझानों से निवेशकों की खुशी की झलक देखने को मिली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और नवंबर 2021 में कंपनी की आईपीओ के दौरान सेवा देने वाले बोर्ड के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने प्रवर्तक वर्गीकरण मानदंडों का उल्लंघन किया। सेबी ने मामले की जाँच के लिए इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानकों का प्रस्ताव किया है, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से सभी यात्री कारों में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत सभी वाहनों में सेफ्टी बेल्ट और रेस्ट्रेंट सिस्टम का पालन करना अनिवार्य होगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामले में कपिल सिब्बल के विवादित बयान पर आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सिब्बल से माफी की मांग की और ऐसा ना करने पर अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। संन्यास के एक दिन बाद उन्होंने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। आईपीएल में पिछली बार पंजाब किंग्स के कप्तान रहे धवन अब इस T20 में नजर नहीं आएंगे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को समर्थन देने की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी है कि गठबंधन को PDP के एजेंडे को मानना होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए सभी सीटें छोड़ने का भी आश्वासन दिया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, उनकी पार्टी चाहती है कि जाति जनगणना हो। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूस विलियमर 80 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। उनका स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर खराब हो गया है, जिससे उनकी पृथ्वी पर वापसी में देरी हो रही है। नासा ने पुष्टि की है कि 24 सितंबर के बाद ही ये तय होगा कि वे सुरक्षित रूप से लौट सकेंगे या नहीं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की नई स्टडी में पता लगाया गया है कि CNG वाहन अपने उत्सर्जन मानकों से अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, विशेषकर नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च स्तर के साथ। स्टडी के अनुसार CNG वाहनों का सड़क पर उत्सर्जन लैब टेस्ट से कहीं अधिक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में अपने शेयरों में 2% की तेजी दर्ज की, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 16.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 13 अगस्त के बाद से TCS के शेयर बाजार में 8.50% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कंपनी के मार्केट कैप में 1.29 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जोमैटो ने अपने नए ऑर्डर शेड्यूल फीचर की घोषणा की है, जिससे यूजर्स 2 दिन पहले से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यह सुविधा दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर में उपलब्ध है और 1,000 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर के लिए लागू है। जल्द ही जोमैटो इस सेवा का दायरा बढ़ाएगा। हाल की एक स्टडी में पता चला है कि समुद्र के नीचे होने वाले हिमस्खलन, जिन्हें टर्बिडिटी करंट भी कहते हैं, वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकते हैं। यही मस्कलन सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्राधिकार को लेकर बाघों के बीच संघर्ष का खौफ सिर्फ भारत के सीमाई इलाके में ही नहीं नेपाल के गांवों में भी है। लड़ाई के बाद भटके बाघ या तेंदुआ सीमावर्ती इलाकों के गांवों में लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। जितना खौफ पश्चिम चंपारण में बीटीआर के आसपास के गांवों में है उतना ही नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से सटे ग्रामीण इलाकों में भी है। जीमेल यूजर्स के लिए स्पैम मेल से निजात पाने का आसान तरीका सामने आया है। अब आप अनसब्सक्राइब कीवर्ड से स्पैम मेल की पहचान कर सकते हैं और एक साथ डिलीट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी जीमेल स्टोरेज को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। जेडीयू की चिंताएं बढ़ गई हैं और आरजेडी ने हमला करते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी में चार भी महिलाएं नहीं मिलेंगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी में महिलाएं टिकट मांगने भी नहीं जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है ध्रुव कुमार राय, चौधरी मनीष, सपना कुमारी, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबूदास, नौशाद रजा, देवराज, संजीव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको अपने स्थानीय क्षेत्र में कौन सी सुधार की जरूरत महसूस होती है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।